ये है वॉशरूम, ये देखिए गाइस। मतलब यार होटल में भी नहीं मिलेंगे ऐसे रूम, ऐसे भैया ने घर पे और नैन्सी ने मैंगो कट किए थे और वो अपने आप सारे खा गए। तो गाइस क्या आप भी चाहते हैं अपने घर का ऐसा इंटीरियर? हाँ, इस रूम की जो वॉल है बेड के पीछे वाली, मेरे को इतनी जेन्युइन लगी, मेरे को इतनी मतलब मस्त लगी। अब हेलो एवरीवन, दिस इज विपिन और आप देख रहे हैं भाई विपिनसी ब्लॉग। तो गाइज आज हम आए हैं अपनी बुआ जी के घर कराड़ा। तो गाइज आज की वीडियो बुआ जी का घर, भाई इसका इंटीरियर, इसका एक्सटीरियर भैया ने इतना अच्छा डिज़ाइन कर रखा है ना, आप लोग एक बार देखोगे तो आप भी, आपके मुंह से भी ये निकलेगा कि भाई वाओ, इतना अच्छा इंटीरियर डेकोरेट कर रखा है घर का। भैया जी ने खुद कर रखा है क्योंकि भैया ने कोर्स कंप्लीट कर रखा है डिज़ाइनिंग वगैरह इंटीरियर का। मतलब भैया जी को नॉलेज है पूरी, भैया जी का काम ही है। और अगर आप लोगों को चाहिए ऐसा इंटीरियर अपने घर में तो आप भाई कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं भैया जी का नंबर नीचे डाल दूंगा। पहले आप लोग बुआ जी का घर देखिएगा। आज हम आए थे और अभी बस खाना वाना खाया है, मम्मी नैन्सी बुआ जी और सुमित्रा आंटी खाना वाना खा रही हैं, तो मुझे लगा क्यों ना एक वीडियो हो जाए इस टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले आप देखिए मैं खड़ा हूँ फिलहाल, ये है वॉशरूम, ये देखिए गाइस। एकदम आपको होटल वाली फीलिंग यहाँ पे फील होगी, ये सेपरेट यहाँ पे है और एक बाथिंग का अपना नहाने के लिए यहाँ पे अलग से है। ये बाथ टब हो गया, यहाँ पे अपना सारी चीज़ें यहाँ होगी। और एक बार आप बाथरूम का लुक दीजिए, देखिए वो देखो, कमेंट में बताओ भाई आपको इंटीरियर कैसा लगा। ये बाथरूम है भाई घर का, देख सकते हो आप। मैं तो पहली बार आया था, तो अगर मैं जिस दिन पहली बार आया था मेरे मुंह से तो ये निकली थी कि बुआ घर तो आपने एकदम होटल बना दिया, भैया ने इतनी मेहनत की है, बहुत भाई अगर चीज़ लगी है तो पैसे भी लगे होंगे भाई। वो दिख रहा है अभी तो क्या है, अभी तो शुरुआत है, बाथरूम से शुरुआत है भाई। बाथरूम ऐसा है घर का, तो रूम्स कैसे होंगे, किचन कैसी होगी, चलो आपको दिखाते हैं एक बार। चलिए गाइस आपको दिखाते हैं बुआ जी का घर। तो गाइस सबसे पहले आपको दिखाते हैं घर का फ्रंट, भाई ये है घर का फ्रंट। यहाँ खड़ी अपनी ब्लैक ब्यूटी और ये खड़ी है रेड कलर की i20 VR की। और सबसे पहले आता है भाई घर में एंट्री करते ही जय श्री कृष्ण। और यहाँ से भाई घर की एंट्री है कुछ ऐसे। तो गाइस सबसे पहले एंटर होते ही आता है अपना ये गेस्ट रूम, देखिए आप यार इंटीरियर देखिए आप घर का। मतलब मैं तो बोल दिया था भैया को, भैया कि मुझे भी चाहिए कुछ ऐसा ही इंटीरियर। ये एक्वेरियम देखो आप कितना मस्त एक्वेरियम है, इसकी लाइट ऑटोमेटिक चेंज होती रहती है, मतलब हर एक काम है ना, मतलब प्रीमियम ही कर रखा भाई। और देखो यहाँ से होती है गैलरी स्टार्ट और सामने खड़ी है भाई अपनी रेड ब्यूटी मर्सिडीज CLA, यार इसकी तो बात ही अलग है। और आप ये देखो खड़ी कितनी सुंदर लग रही है यहाँ पे, मतलब यार हर एक चीज़ दिमाग में सोच के बना रखी है भैया ने, हर एक चीज़ अच्छे से डिज़ाइन कर रखी है, ये कैसा लगेगा वो कैसा लगेगा। ये भाई मर्सिडीज़ रेड कलर की खड़ी है तो इसके साथ कॉम्बिनेशन, मतलब हर एक चीज़ देख के। और सामने भाई फ़ोटो है अपनी बुआ फूफा जी की, देखना कितने प्यारे लग रहे हैं फ़ोटो में। और ये बाथरूम मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है भाई, एकदम होटल को भी माफ़ कर रहा है, बाथरूम ही ऐसा है। तो आप रूम्स देखिए, आपको रूम्स दिखाते हैं। यहाँ पे स्टेयर्स होगी ऊपर जाने के लिए। और गाइज ये है किचन, और किचन में चल रहा है खाना, फैमिली खाना खा रही है, बुआ जी भाभी जी नैन्सी मम्मी सब। गाइज आप किचन देखिए, ये है किचन और यहाँ चल रहा है खाना। हाँ भाई, तो भाई भाभी जी ने बहुत मेहनत कर रखी है, मैंने तो बुआ जी की है बुआ जी। तो भाई नैन्सी को देख लो खा खा के, आज तो मौज हो रही है, तो सारे आपने फिनिश कर दिए। आंटी क्या होया? वो यार बच्चे ना मार लो,
तो वही देखो, ये है डाइनिंग रूम और साथ में किचन अटैच है। इतना अच्छा सेट कर रखा है सब कुछ एकदम सिस्टम से। यहाँ पे चिमनी वगैरह सब लगी है, यहाँ कालीन बिछा रखा है। आप मतलब देखना और कमेंट में जरूर बताना भाई घर का इंटीरियर वगैरह आपको कैसा लगा हर एक चीज़। तो गाइस आपने किचन देख ली और एंट्रेंस देख ली, अब आपको दिखाते हैं घर के रूम, जो अंदर का मेन रूम है आपको वो दिखाते हैं। तो किचन से आते हैं बाहर। गाइस ये अलग ही फीलिंग दे रही है भाई, रेड कलर की ब्यूटी। और आपको अंदर का रूम दिखाता हूँ मैं, अंदर का रूम देखिए गाइस आप, क्या ही कहें, इतना लाजवाब इंटीरियर है ना यार घर का, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। मेन लाइट ऑन कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, ये प्रोजेक्टर भी है, क्या दिखाऊं मैं, क्या ना दिखाऊं आपको, इतनी अच्छी तरह से डेकोरेट कर रखा हर एक चीज़। ये देखिए प्रोजेक्टर है यार फुल, मतलब वॉल पे प्रोजेक्टर है पूरा। अगर आपको कंप्लीट रूम दिख रहा होगा तो यहाँ से शायद दिख जाएगा। देखो गाइस ये रूम है और एक रूम अंदर भी है। मुझे पर्सनली इस रूम की जो वॉल है बेड के पीछे वाली, मेरे को इतनी जेन्युइन लगी, मेरे को इतनी मतलब मस्त लगी। आप देखिएगा सबसे पहले, लो भाई ये है वो वॉल, देखो। एक ये रूम है भाई, इसकी भी मेन लाइट ऑन कर लेते हैं। और भाई गाने को कर लेते हैं पॉज। यहाँ पे एलईडी लगी है, एक मेन लाइट ये ऑन हो गई, एक मेन लाइट, ओ एयर प्योरीफायर भी है भाई, एक लाइट ये ऑन हो गई। तो गाइस ये रूम देखिए आप, ये रूम है भाई, ये रहा, दिख रहा है ऊपर से देखो, साइड से देखो, नीचे से फ्लोरिंग देखो, बेड, मतलब हर एक चीज़ इतनी लाजवाब कर रखी है। देखो भाई ये था बुआ जी का घर। और गाइज हम आए थे बुआ जी के घर मिलने, और मैंने जब एंटर किया तो मेरे माइंड में आया कि मम्मी क्यों ना वीडियो बनाई जाए भाई, सबको दिखाया भी जाए। और तो गाइज क्या आप भी चाहते हैं अपने घर का ऐसा इंटीरियर भाई? देखो मैंने देखा था फर्स्ट टाइम में बुआ जी का घर, तो मेरे को तो ये लगा था कि भैया मेरे घर भी ऐसा काम होना चाहिए। लेकिन भाई देखो कोई क्वालिटी चीज़ होती है, उसके प्राइस भी होते हैं। अगर आप क्वालिटी चाहते हो तो उसका आपको बढ़िया प्राइस पे करना पड़ेगा। लेकिन भाई घर का इंटीरियर मैं क्या ही बताऊँ यार, देखना मतलब क्या लाजवाब है यार। देखो आप, देखो मेरे पास मतलब डिस्क्राइब करने के लिए शब्द नहीं है, इतने मस्त इंटीरियर भैया जी ने सेट किया। और खुद, ये नहीं कह रहा मैं कि भाई कहीं से डिज़ाइन विज़ाइन करवाया, नहीं, खुद भैया जी ने करवाया। और घर नहीं कहूँगा मैं इसको, ये भाई इसको घर नहीं कह सकते, एक तरह से होटल टाइप में आपको फील आएगी अगर आप यहाँ पे आओगे। अगर किसी को भी भाई घर का काम करवाना है ना, इंटीरियर को लेके, एक्सटीरियर को लेके, मैं नंबर डाल दूँगा भैया जी का, आप सीधा बात कर सकते हैं किसी को भी, कुछ भी काम करवाना हो। और ऊपर का एरिया आपको अभी दिखाता हूँ मैं थोड़ी देर में, पहले एक बार दोबारा किचन में चलते हैं, देखते हैं भाई क्या कर रहे हैं, नैन्सी क्या कर रही है। तो फूफा जी यहाँ बैठे हैं, अपना फ़ोन वोन चला रहे हैं। मैं आ गए हैं भाई दोबारा से। हाँ भाई हो गया खाना वाना? तो खाना कैसा बनाया भाभी जी ने? मस्त था। और घर कैसा लगा आपको बुआ जी का? बहुत मस्त है ना? हाँ सारी चीज सिस्टम से सेट कर रखी है हर एक चीज भाई। मेरे को तो सबसे ज्यादा मैं क्या ही बताऊं, सारी चीज बहुत अच्छी लगी, हर एक चीज बहुत अच्छी लगी। ये डाइनिंग रूम आपको दिखा दिया, भाभी जी बैठी हैं। और या ये छिपरी है भाई, कैमरा शाइनेस मानसी, कल लग जाएगा व्लॉग। भाई खाना वाना हो गया सब, भाभी जी ने, बुआ जी ने बहुत अच्छा खाना बना रखा था। मानसी तूने क्या बनाया?
वही मानसी सर्व करने वालों में थी जिसने और नैन्सी ने मैंगो कट किए थे और वो अपने आप सारे खा गए। और भाई भाभी जी ये है भाई अपनी भाभी जी जिसने बहुत अच्छा खाना बनाया, तो भाई स्वागत करते हैं भाभी जी का अपने ब्लॉग पे। ये बुआ जी है, बुआ एक बार हेलो बोल दो, बुआ शर्मा रहे भाई। ये मम्मी बैठी, खाना वाना हो गया भाई कंप्लीट, बैट फोन की बैटरी भी 10% रह रही है, वो जल्दी सी वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। आपको एक बार ऊपर का वो दिखा देता हूँ मैं, ऊपर क्या है कैसे। तो गाइज अब आपको लेके चलते हैं भाई पर, हम आ गए हैं भाई छत पे फर्स्ट फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर पे क्या है आपको दिखाते हैं। तो गाइज ये है कुछ ऊपर की एंट्रेंस, आप देख सकते हो, मतलब यार क्या बताऊँ मैं आपको, इतनी मस्त फीलिंग आती है ना बुआ जी घर आके कि यहाँ से जाओ भी मत घर पे। ये देखो अभी छत है गाइज, ये यहाँ पे फ्लोरिंग कर रखी है घास की, आप यहाँ पे बैठ सकते हो, खेल सकते हो, बच्चे हों तो उनका तो मन ही इतना मस्त लगे। तो फर्स्ट रूम यहाँ पे ये वाला है गाइज, मैं रूम दिखा दूँ, एक रूम है ये ऊपर वाला रूम है, और हम कर देते हैं इसकी मेन लाइट ऑन, बस। तो ये देखो गाइज, मतलब रूम का एंगल मैं आपको दिखाता हूँ। तो यार एक बार व्यू देखो रूम का, मतलब आपके मुंह से ये नहीं निकलेगा कि यार यहाँ कमी है वहाँ कमी है, तो क्या ही कहने हैं भैया। अभी आ रहे हैं हम बाहर अगले रूम में, और यहाँ ये घूम रही हैं भाई अपनी नैन्सी हो गई, भाभी जी हो गई और मानसी हो गई। ये नैन्सी आज कुछ ज्यादा नहीं माच रही है भाभी। क्या खिला दिया इसको, क्या खिला दिया, मैंगो भाई, मैंगो खुद कट किया इसने और किसी को ना दिया, सारा अपने आप खाया। तो भाई देखो सब घूम रहे हैं यार, मतलब बुआ जी घर इतना मस्त मन लगता है हमारा, सब घूमते रहो। ये है गाइस छत पे, ये लास्ट रूम है, और इसका भी इंटीरियर देखोगे तो आपके मुंह से वाव ही निकलेगा। हर एक चीज का कलर कॉम्बिनेशन से लेके वॉल से लेके, मतलब विंडो से लेके डोर से लेके, हर एक चीज आपको एक सिस्टम से ही देखने को मिलेगी। ये लतीश भैया का और बुआ जी का फोटो लग रहा है, बहुत मस्त लग रहे हैं भाई फोटो में। सोफा बेड पीछे का वॉल का डिजाइन, मतलब ये रूम लाइट ऑफ होने के बाद कुछ इसका लुक है ऐसा, मतलब यार होटल में भी नहीं मिलेंगे ऐसे रूम, ऐसे भैया ने घर पे डिजाइन कर। और अब रह गई है टेरेस, टेरेस पे जाते हैं हम, टेरेस दिखाते हैं आपको। टेरेस भी मेरे को बहुत अच्छी लगी थी यार, टेरेस में तो ऐसा मन कर रहा था कि नीचे आना ही नहीं है, और एकदम मस्त बुआ जी ने। और भाई देखो यहाँ चल रहा है इनका फोटो सेशन, ये देखो भाई ये चल रहा है फोटो सेशन, और कैमरा गर्ल है मानसी। तो वही भैया ने बहुत सोच समझ के सारी चीज सेट कर रखी है, और ऊपर की छत देख लो आप, कितने गमले ही गमले हैं भाई चारों तरफ। अगर ये वीडियो दिन में बनाता ना मैं, इसकी अलग ही फीलिंग होती, बस लेट हो गए हम जाने वाले हैं, तो मेरे को एकदम से ध्यान आया कि भाई वीडियो बनाए। ये देखो आप यार एकदम फ्रेशनेस फील होगी आपको। ये है अपना यहाँ पे झूला, और भैया जी कर रहे हैं साइकिलिंग, और आपको पीछे तक दिखाते हैं। ये है भाई घर की छत, लो भाई छत पे घूमने ही लग रहे हैं, खाना जम कर रहे हो सब है। तो भाई ये है कुछ ऐसी टेरेस आप, तो वही भैया जी कर रहे हैं साइकिलिंग, भैया का बस ये है थोड़ा कैमरा शायनेस है, और सारी चीज़ भैया ने की है भाई, घर डेकोरेट वगैरह हर एक चीज़। तो आप, मैं भैया का नंबर डाल दूंगा वीडियो में, कुछ भी काम करवाना हो डायरेक्ट कॉल करो, भैया आपको हर एक चीज़ अच्छे से बता देंगे कैसे क्या चीज़ होती
काम अपना होगा एकदम परफेक्ट फाइन। तो ठीक है गाइज, ये था आज का ब्लॉग, और ब्लॉग को हम करते यहीं पे ख़त्म। बुआ जी ये घर आए थे और आपको दिखाया, घर भी दिखाया, छत भी दिखाई, रूम्स भी, हर एक चीज़ दिखाई। तो गाइज कमेंटें बताइएगा आपको सबसे पहले भैया जी का काम कैसा लगा। भैया जी ने अपना घर इतना अच्छा डेकोरेट किया, तो भाई आप लोग या भाई कोई भी ऑर्डर जो आते हैं उनके लिए भैया जी एक अलग से यूँ सोचते हैं कि यार अपने एक बंदा एफर्ट्स लगाता है ना, तो उसमें डबल एफर्ट्स लगाते हैं भैया। भाई बू वारंटी की बात ख़त्म नहीं होगी यार, टाइम देख लो कितना हो लिया, के टाइम हो लिया आपने, दिखता होगा भाई 10:10 हो गए रात के। चलो मम्मी अब गाड़ी मन्ने चलानी है। चलो बुआ देव इजाजत हमने जान की है। चलो तो भाई व्लॉग को यहीं पे करते हैं खत्म। हम जा रहे हैं वापस घर पे और सब खाना वाना खा लिया सब कुछ और घूम लिए। बुआ जी घर आए थे। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और सब कुछ कर देना, आप लोगों की प्यार की जरूरत है, बस सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही चैनल ग्रो कर जाएगा हमारा, आपके साथ हम भी ग्रो हो जाएंगे। तो भाई ये था आज का व्लॉग, और गाइस बाय बाय, टेक केयर, ओवर एंड।